हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपने झाइयों की समस्या से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, अगर आपके स्किन पे झाइयों की समस्या है, हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है, दाग धब्बे की समस्या है, कील मुहासे आपके स्किन पे ज़्यादा है, या पुरानी से पुरानी झाइयाँ हैं, आप कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं, कोई भी उपाय करके थक चुके हैं और आपकी जो झाइयों की समस्या है, झाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको झाइयों को दूर करने का रामबाण इलाज बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि झाइयों को 100% दूर करता है। फ्रेंड्स, से मैं गारंटी देती हूँ कि जो मैं नुस्खा आपको, जो घरेलू उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो झाइयों के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। और हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो, या पुरानी से पुरानी झाइयों की समस्या हो, कील मुहासे की समस्या हो, कोई भी स्किन से रिलेटेड समस्या हो फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दो ऐसा घरेलू उपाय, दो फेस पैक बताने वाली हूँ, जिसका प्रयोग करने से फ्रेंड्स आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या, जीदी से जीदी झाइयों की समस्या, पिंपल्स एक्ने की समस्या हो, चेहरे पे दाग धब्बे की समस्या हो, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। बहुत ही इफेक्टिव मैं आपको फेस पैक बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, झाइयों की पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए जो हम इसमें इंपॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो है फ्रेंड्स जायफल। फ्रेंड्स, जायफल आप सभी जानते हैं कि हम इसका प्रयोग ज़्यादातर मसाले के रूप में करते हैं, और सभी के घरों में, किचन में इजली ये मिल जाता है, अवेलेबल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जायफल जो है हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा जो जायफल है वो हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है फ्रेंड्स, और झाइयों की समस्या को, पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए जायफल काल माना जाता है, रामबाण इलाज की तरह काम करता है फ्रेंड्स। अगर आपके जिदी से जिदी, पुरानी से पुरानी झाइयाँ बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रही है, आप कितना भी प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जायफल में कई तरह के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो कि आपके सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, और साथ ही साथ आपके स्किन से जुड़ी, त्वचा से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, जायफल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जायफल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसकी गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, झाइयों की समस्या को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके साथ ही जायफल में जो है काफ़ी मात्रा में कॉपर, फाइबर, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, विटामिन B1, B6 भी बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और यह सभी पोषक तत्व स्किन को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं फ्रेंड्स। तो जो जायफल है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे स्किन के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि झाइयाँ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स झाइयाँ जो है अक्सर बहुत लोगों को हो रही है, बहुत वुमेंस को हो रही है और मेंस को भी हो रही है, लेकिन ज़्यादातर इसमें झाइयों की समस्या से कम 60% जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है। तो झाइयाँ होने के कारण है फ्रेंड्स कि सूरज की तेज किरणें अगर आपके स्किन पर ज़्यादा पड़ती है, या आप धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो आपको झाइयाँ होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चेहरे पर जरूरत से ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भी आपके झाइयाँ होने की समस्या कारण हो सकती है। और इसके साथ ही तनाव ज़्यादा, तनाव में रहना, गुस्सा ज़्यादा करना, ज़्यादातर आप तनाव में रहते हैं तो ये भी जो है एक कारण है झाइयों की होने की समस्या के। तो इन पर आपको ध्यान रखना होगा, धूप में आपको नहीं रहना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि धूप में जो सूरज की किरणें पड़ती है वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि जायफल का फेस पैक आपको कैसे तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स जायफल का फेस पैक बनाने का। तो यहाँ पर पहला तरीका है कि आपको चाहिए पहले तरीके के लिए जायफल, और दूसरा जो है कच्चा दूध। तो यहाँ पे आपको जायफल का पाउडर लेना है और कच्चा दूध, दोनों को मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके पास जायफल का पाउडर नहीं हो तो आप कच्चे दूध में जायफल को घिस लीजिए और इसका जो है पैक तैयार कर लीजिए। अब दोनों पैक को आप इसी तरीके से लगाना है, उसके बाद आपको अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे तरीके से लगा लेना है, 15 से 20 मिनट के लिए सूखने देना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी के
हेल्प से हल्का हल्का रब करते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपको इस फेस पैक को उतारना है। फ्रेंड्स, जायफल के तो बहुत सारे फायदे होते हैं चेहरे के लिए, मैंने आपको बताया है, और जो कच्चा दूध है वो आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दाग धब्बे की समस्या को, झाइयों की समस्या को दूर करने में कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि अगर आपको झुर्रियों की समस्या है, रिंकल्स की समस्या है, तो उसको भी दूर करता है कच्चा दूध। दाग धब्बे कैसे भी, दाग धब्बे पुराने से पुराने दाग धब्बे हो, अगर ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप सिर्फ कच्चा दूध भी हमेशा लगाते हैं, अगर सुबह में 5 मिनट के लिए मसाज करते हैं, तो भी आपके दाग धब्बे की समस्या, झाइयों की समस्या खत्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, जायफल में जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि आपके बढ़ते उम्र के दौरान जो आपके चेहरे पर रिंकल्स की समस्या आ जाती है, झुर्रियों की समस्या आ जाती है, उसको दूर करने में जायफल काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये हो गया पहला फेस पैक फ्रेंड्स। इसे कैसे यूज करना है, कितना बार यूज करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सेकेंड इसका फेस पैक है फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको जायफल का पाउडर लेना है, दही लेना है, नींबू का रस लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो जायफल का पाउडर है, आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दही जो है आपको 1 चम्मच लेना है, और नींबू का रस भी जो है आपको आधा से 1 चम्मच ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट तैयार करके आपको अपने चेहरे पे लगा लेना है, चेहरे से लेकर गर्दन तक, और आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए रखना है अपने चेहरे पे। उसके बाद ठंडे पानी से आपको अपने हाथों को गीला करना है, और सर्कुलर मोशन में 2 मिनट के लिए आपको मसाज करना है अपने हाथों से, हल्के हाथों से। उसके बाद ठंडे पानी से आपको धो लेना है अपने चेहरे को। फ्रेंड्स, ये दोनों फेस पैक, आप पहला जो फेस पैक है आप इसे डेली लगा सकते हैं, या एक दिन अल्टरनेट करके लगा सकते हैं। सेकेंड जो फेस पैक मैंने बताया फ्रेंड्स, उसे आप वीक में 3 बार लगाइएगा। इन दोनों फेस पैक जो है फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ईजी भी है, और 100% रिजल्ट देता है। अगर आपको झाइयों की समस्या है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तो इन दोनों फेस पैक में से कोई भी फेस पैक आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 100% फायदा मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और घरेलू नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।